हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इस टाइप का ओवरलैपिंग टेस्ट इफेक्ट विद रिफ्लेक्शन आप किस तरीके से रेडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं 920x1080p पे। यहाँ पे रेजोल्यूशन हम रखते हैं 150 pixels per inch, RGB कलर, और कस्टम में हम यहाँ पे ब्लैक कलर बैकग्राउंड रखते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आपका एक यहाँ पे ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ लेयर क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे टी प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया। अब टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर लेता हूँ, और व्हाइट कलर लेने के बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट चाहिए, मान लो मेरे को रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन। अब जो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये मुझे सभी वर्ड्स इंडिविजुअल चाहिए, सारे वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, और फॉन्ट चेंज के लिए मैंने यहाँ से जो चूज कर रहा हूँ, मैं वो इरोज बोल्ड कर रहा हूँ, और इरोज बोल्ड करके मैं इसका हल्का सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, थोड़ा कम, इतना स्ट्रेच, ये इतना स्ट्रेच, ठीक है, ओके ओके। और इसको मैं थोड़ा कम। अब मुझे सारे वर्ड्स ये इंडिविजुअल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ नीचे यहाँ पे, और इसको सबको हटा देता हूँ, ओके। एक वर्ड यहाँ पे रखता हूँ, एक मैंने यहाँ पे रखा। अब मुझे इतने सारे इंडिविजुअल वर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्ट प्रेस करके, देखो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप प्रेस करें अल्ट एंड होल्ड रखें, और आप इस पे देखो, आप कर्सर का देख रहे होंगे, आपका डबल कर्सर यहाँ पे हो गया, और इसको ऐसे शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इस पे डबल क्लिक करो और आप यहाँ पे कर दो ई, क्लियर। यहाँ पे देखो नाम चेंज हो रहा है, आर ई। अल्ट प्रेस किया, कॉपी किया, शिफ्ट प्रेस करके रखें, तो आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपका यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा एफ। अगला तरीका क्या है कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस जे कर दे फॉर कॉपी, और अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपकी कॉपी हो गई है, कंट्रोल जे, ये आपने यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे मैंने लिखा एल, यहाँ पे मैंने लिखा फिनिश ई, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कॉपी करें, सी, फिर आप कॉपी करें। अगर आपका अभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बाद में हम अलाइन कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए है कि आप इंडिविजुअल वर्ड्स को यहाँ पे लिखें, ओ, और यहां से कॉपी करके एन। अभी आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे इंडिविजुअल आ गए, इसको हम अब डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वर्ड्स को इंडिविजुअल करने के बाद मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक बार अच्छे से, और ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, वर्ड को सिलेक्ट करना है, जो लेयर है, लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको करना है लेयर मास्क, लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली में आपको करना क्या है, अब ये वाला शेडो इफेक्ट यहाँ पे लेके आना है, तो इसके लिए हम इसको लेयर मास्क करेंगे, और लेयर मास्क करने के बाद आप यहाँ पे ग्रेडियंट को टूल को चूज करोगे। मेक श्योर जो ग्रेडियंट है आपका यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला चूज हो, और ये लीनियर में हो, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लेयर मास्क पे आपका देखो कर्सर सिलेक्ट है, आप यहाँ पे आओगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे करें स्ट्रेट, और यहाँ पे क्लिक कर दें, तो इस तरीके से आपका एक रिफ्लेक्शन आएगा। इस एज पे सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें दूसरी एज पे, तो इस तरीके से अंडू किया, ये इस पे ही आ गया, ठीक है। दूसरी लेयर सिलेक्ट करो, लेयर मास्क करो, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके और ऐसे ड्रैग करें, एक और सिलेक्ट किया, लेयर मास्क पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे एक क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, एंड यहाँ पे आप रिलीज कर दें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे सारे इफेक्ट आ जाएंगे। ई सिलेक्ट किया, लेयर मास्क ऑन करो, यहाँ पे क्लिक, होल्ड एंड यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे छोड़ दें। कुछ ऐसे, तो सारे इफेक्ट्स आपके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, वर्ड्स को हल्का हल्का ओवरलैप करना है। ओवरलैप के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ई को मैंने उठाया, और आप यहाँ पे कर सकते हैं इस पे हल्का सा ओवरलैप जितना आप चाहते हैं, यहाँ पे आप उठा के इसको हल्का सा ओवरलैप कर दिया, यहाँ पे जितना भी आप चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ओवरलैप कर सकते हैं, क्लियर है। या तो आप ये तरीका चूज कर लो, या फिर थोड़ा थोड़ा इनको पास में ले जाके, आप इनको पास में लेके जाओ,
सबको सिलेक्ट करो अब, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपका, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आप इस पे क्लिक करें तो इक्वल साइज इक्वल डिस्टेंस पे वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें जो अलाइन करता है बॉटम एज को, तो बॉटम एज को वो अलाइन करेगा। तो इस तरीके से आपका इफेक्ट हो जाएगा और ओवरलैपिंग भी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा और ओवरलैप करना है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, अब दोबारा से सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये और भी ओवरलैप आ जाएगा। एक तो होता है कि मैन्युअली आप करें पिक करके थोड़ा सा ड्रैग करके, दूसरा है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा ओवरलैप होने के बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी को एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस जी करूंगा तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप को आप यहाँ से इंडिविजुअली से सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया, अंडू। ओके, अब ये करने के बाद मुझे इसके एक रिफ्लेक्शन बनानी है, तो इस ग्रुप की मैं कंट्रोल जे करके कॉपी कर लेता हूँ। आपके देखो दो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को मैं यहाँ पे रिनेम कर देता हूँ रिफ्लेक्शन, ये आपके एक ग्रुप का नाम रख गया रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आता है फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकली फ्लिप करता हूँ। ओके, ओके करने के बाद मैं ऑटो सिलेक्ट को ऑफ करता हूँ और इसको हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके मैं नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, जहां पे भी मुझे ये प्लेस करना है। एरो की हेल्प से भी आप इसे ऊपर नीचे हल्का सा कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है, और इसकी ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 25%। ओके, और उसके बाद इसके अंदर भी मुझे वो वाला शेडो इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन में आपका ऑन करता हूँ एड लेयर मास्क, और लेयर मास्क को ऐड करके ग्रेडियंट टूल यहां से यूज करता हूं, और शिफ्ट प्रेस करके यहां से यहां तक मैं ग्रेडियंट टूल का यूज करता हूं। तो इस तरीके से आपका एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट यहां पे आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। ऐसे आप रिफ्लेक्शन का इफेक्ट यहां पे रेडी कर सकते हो। अब मान लो आपने एक बार रिफ्लेक्शन लगा दिया, अब आपको किसी और नाम का सेम इफेक्ट लेके आना है, तो मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप का कंट्रोल जे करके एक कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को ऑफ कर लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ वर्ड्स पे। मान लो मेरे को अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डबल ई पी ए के, ओके, और इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये ग्रुप के अंदर है, ग्रुप को सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं हल्का सा साइज को बढ़ाता हूं। ओके, और तो मैं इसके साइज को यहां से 100% भी कर सकता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इनको 100% कर देता हूं, ताकि वो साइज जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेच किया था। कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो, कोई भी साइज यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्लियर है। ये करने के बाद हमें इसको सिलेक्ट करके ऑटो सिलेक्ट ऑफ किया, थोड़ा ऊपर करता हूं यहाँ पे, और इस ग्रुप का अब मैं एक कंट्रोल जे करके कॉपी करता हूं, और उस ग्रुप को जो मैंने यहाँ पे किया है, इस ग्रुप को मैं यहाँ पे दोबारा से नाम करता हूं रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा फ्लिप वर्टिकल, और इसको मैं यहाँ पे फिनिश किया, और इसको मैं हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आता हूं कुछ यहाँ पे। बट इससे पहले मैंने अंडू किया, इसको डिलीट, ग्रुप वन के जो ये जितने भी वर्ड्स हैं मेरे, मैं इनको सिलेक्ट करके पहले अलाइन कर दूंगा, क्योंकि के अलाइन में नहीं था। अब इस ग्रुप की कंट्रोल जे से मैं कॉपी करूंगा और इस ग्रुप को सिलेक्ट करके मैं रीनेम कर दूंगा रिफ्लेक्शन, और अब इसे सिलेक्ट करके मैं इसे कर दूंगा फ्लिप वर्टिकल फिनिश, और अब मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ लेके आऊंगा, यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसकी ओपेसिटी को 25% करूंगा, या जितना भी मैं ज्यादा चाहता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ 30% जितना भी, और फिर इसे मैं करता हूँ यहाँ से लेयर मास्क, और लेयर मास्क पे मैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल को यूज करके शिफ्ट की हेल्प से रे मास्क लगाता हूँ। तो इस तरीके से आपका कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट आप रखोगे तो इस तरीके से आपका इफेक्ट आ जाएगा, जैसे ये वाला है,
ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला है, किसी भी नाम का आप यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लेके आ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियो के लिए। और इससे अलग आपको किसी भी 3D सॉफ्टवेयर 2D सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.